सीमा है वो 3 मई तक है और इस बीच में आपको शैक्षिक सत्र भी अपने नियमित समय से चालू कराने का एक चुनौती है, तो किस तरह से आपकी कल शासन में भी कुछ बातचीत हुई है, तो किस तरह से इसको आप कर रहे हैं? कल उप मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत हुई और उनका कहना था कि जैसे लॉकडाउन खत्म होता है हमें 15-20 दिनों के अंदर परीक्षाएं शुरू करा देना चाहिए और परीक्षाएं शुरू कराने की व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम परीक्षाएं 3 पाली में करा लें, छुट्टियों के दिन करा लें, कुछ पेपर का टाइम छोटा कर लें, क्वेश्चन कम कर लें, ताकि एक निश्चित समय के अंतर्गत हम सभी परीक्षाएं पूरी कर सकें। लेकिन समस्या ये है कि हमारे विश्वविद्यालय के सामने समस्या है कि जब तक 9 जिलों में स्थिति ठीक नहीं होगी और सब जगह लॉकडाउन नहीं खत्म होगा तब तक एक समस्या रहेगी। लेकिन स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो गई थी, लगभग 30% हमारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, हमारे प्रश्न पत्र तैयार हैं, सेंटर वगैरह सब चीज़ तय है, हमारा टाइम टेबल तय है। जैसे लॉकडाउन खत्म होता है हम 1 हफ्ते के अंतर्गत परीक्षा दोबारा शुरू करवाने की स्थिति में होंगे। हमारा फोकस होगा कि जो फाइनल ईयर हैं, चाहे यूजी क्लास का है चाहे पीजी क्लास का है, उनकी परीक्षाएं हम पहले करा लें, उनका इवेल्युएशन करा लें, ताकि बच्चे को अगर कहीं प्रवेश लेना है, नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो उसको देर ना होने पाए। और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्लासेस हैं अगर उनमें 10-5 दिन का देरी भी होता है तो वो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म होगा, उसको हम अपने आंतरिक स्तर पर मैनेज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में हम कोशिश करेंगे कि हम, बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे बाहरी परीक्षक नहीं आ पाते हैं तो हम आंतरिक परीक्षकों से भी प्रैक्टिकल पूरे करा सकें। और जहां तक कापियों का इवेल्युएशन है उसमें डिसेंट्रलाइज मोड लेकर के हम कापियों को इवेल्युएट करा सकें। तो हमें अभी तक लगता है कि परिस्थितियाँ नियंत्रण में हैं। अगर 3 मई या उसके आसपास लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हमारा ये सत्र बहुत लेट नहीं।